नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। टिकटों को लेकर के राजनीति पार्टियों में जिस तरीके से माथापच्ची हो रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा में किस तरीके से माथापच्ची हो रही है, वही हाल कमोबेश कांग्रेस के अंदर भी है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में टिकटों को लेकर के क्यों माथापच्ची हो रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, ज्यादातर सीटों पर जो है सहमति बन चुकी है और आज शाम तक या कल सुबह तक लिस्टें आ सकती है, लेकिन कांग्रेस की भी अहिरवाल की कुछ सीटें फंसी हुई है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें और रेवाड़ी की 3 सीटें जो कि हॉट सीटें बनी हुई है कांग्रेस के लिए, उसमें जैसे अगर हम हिसाब लगाएं तो बावल एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पसोपेश वाली स्थिति है, इसी प्रकार महेंद्रगढ़ भी कांग्रेस के लिए पसोपेश वाली स्थिति है। चर्चा करेंगे एडवोकेट नरेश चौहान जी से कि आखिर पेच फंसा हुआ है तो क्यों फंसा हुआ है। चौहान साहब क्या कहेंगे, ये हमारे महेंद्रगढ़ की 4, नारनौल अटेली, महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी, 3 रेवाड़ी की, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों फंसी हुई है? मोहनलाल जी, आपने सही बात पकड़ी है। दरअसल अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने जो परफॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी के नाते, हालांकि ये सारी बेल्ट कांग्रेस समर्थित बेल्ट मानी जाती है, लेकिन राव साहब ने अपने रिश्तेदार राव दान सिंह को भी हरवा दिया महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पर और रेवाड़ी जिले की 3 सीटों पर। तो एक किस्म से इन 7 सीटों पर वहां पेच फंसा हुआ है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस अब चाहती है कि सशक्त उम्मीदवार जो महेंद्रगढ़ में रामविलास को भी टक्कर दे सके और पूरे अहिरवाल में एक किस्म से राव इंद्रजीत सिंह को भी टक्कर दे सके। वो रेवाड़ी तो देखिए कंफर्म है, रेवाड़ी तो चिरंजीव राव का कंफर्म है, नारनौल भी तकरीबन नाम से, महेंद्रगढ़ क्यों अटका हुआ है? दान सिंह की वजह से अटका हुआ है, जो ईडी की रेड पड़ी उसकी वजह से अटका हुआ है, या क्या लगता है आपको? महेंद्रगढ़ हुआ, समालखा हुआ, सोनीपत हुआ, आपको ध्यान दिलाऊं ये 3 ईडी के राडार पर हैं। ये 3 जो सिटिंग विधायक हैं और उनके खिलाफ, वो तो सोनीपत वाला तो अंदर है जेल में और समालखा वाला धर्म सिंह छोकर वो भी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है या कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, नहीं हाथ लग रहे, नहीं गिरफ्तार हो रहे। दान सिंह की प्रॉपर्टी वगैरह उसको खंगाल लिया, कई जगह छापेमारी करी, मतलब ये राडार पर हैं। तो इन 3 सीटों पर कांग्रेस शायद कैंडिडेट बदलेगी, तो यही हाल महेंद्रगढ़ का है। तो बावल की भी एक देखिए, वहां भी पसोपेश में, वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो कहें शकुंतला भगवाड़िया और रंगार, यानी कि 55 लोग दावेदार हैं, जता रहे हैं। वहां डॉक्टर बनवारी लाल, वो देखो इस 2019 की इस एंटी इनकम्बेंसी को भी पार कर गया, ये सब लोग थे, शकुंतला भगवाड़िया भी थी, रंगा भी था, ये सब जो जिन्होंने अप्लाई, आप नाम ले रहे, सब लोग ये थे, लेकिन सबसे ऊपर जाके, और उसके तो बहुत भारी विरोध था, मतलब कहीं ना कहीं नारे लगे थे कि भाई मोदी तेरे से बैर नहीं, बनवारी तेरी खैर नहीं, मतलब, लेकिन फिर भी वो पार निकल गया। तो उसके डेंट तो लगा है बावड़ के अंदर, उसके तो मुकाबले में डेंट तो रेवाड़ी में भी लगा है राव को, बावड़ में भी लगा है, हर सीट पर लगा है। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि 80,000 से कम अगर लीड रहती है तो ये तो कोई जीत नहीं होगी, लेकिन वो रिजल्ट हमारे सामने है कि नॉर्मल जीत है। चलिए फिर महेंद्रगढ़ पे कैसे निपटेंगे, समालखा पे कैसे निपटेंगे, कोई कैंडिडेट आपको नजर आते हैं? नहीं देखो, समालखा और सोनीपत में तो वहां हमारे से जरा दूर हैं, लेकिन वहां एक से बढ़कर एक हैं। जहां तक महेंद्रगढ़, ये हमारी रेंज का है और यहां 3 ही तो नाम गए थे पैनल में जी, मतलब सतबीर झुकिया, रवि चौहान
और रावदान सिंह, तो रावदान सिंह की अगर टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, उसकी टिकट लगभग डार्क डेंजर जोन में है, तो सतबीर झूखिया से 21 पड़ेगा रवि चौहान। क्यों पड़ेगा भाई? क्योंकि वो पुराना कार्यकर्ता है, कैसी बात कर कार्यकर्ताओं की नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि रामविलास से भी वहां मुकाबला है, वहां एसडीएम संदीप सिंह से भी मुकाबला है। और रामविलास की पहली बात तो वो भी टिकट बीजेपी की कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा की भी डेंजर जोन में है। पर रामविलास शर्मा आए, उसका बेटा आए, तो रामविलास शर्मा और दान सिंह, इन दोनों की साइकिल जो पिछले 30 साल से चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी है आम मतदाता में। लेकिन ये इतने धनाढ्य हैं, इतने संपन्न हैं, इतने अनुभवी हैं, सतबीर झूखिया इनकी जो है ना झाल को नहीं डांट पाएगा। रवि चौहान जो है, मतलब पैसे के हिसाब से भी, दबंगई के हिसाब से भी, मतलब ईडी के हिसाब से भी, कोर्ट कचहरी के हिसाब से भी, जेल के हिसाब, जैसे कर्नाटक में वो डीके शिव कुमार है ना, मैं तो कह रहा हूं कि अगर रवि को टिकट मिलती है जो पैनल में है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं वो डीके शिव कुमार वाला रोल भी अदा कर सकता है। वो जेल जाने से भी नहीं डरेगा, वो सड़क पे लड़ाई लड़ने से भी नहीं डरेगा, और पैसे के मामले में, साधनों के मामले में, सामाजिक कार्यों के मामले में, मतलब वो तो सामाजिक कार्यों में हेलीकॉप्टर हायर करके फूल बरसवाता है, मतलब तो उसकी दमदार छवि है। राहुल के लिस्ट में है, क्योंकि चर्चा ये है कि राहुल गांधी के लिस्ट में भी रवि चौहान का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। देखो कि रवि, राहुल, राहुल हो, हुड्डा साहब हो, शैलजा हो, कोई भी हो, मैं इसलिए रोक रहा हूं, 19 में भी बात हो रही थी हुड्डा की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी। नहीं, 19 में भी, और रवि चौहान ने तो निर्दलीय भी, अटेली से भी चुनाव लड़ा है और अपना दमखम दिखा चुका है, मतलब उसके लिए कोई ना तो दरवाजा बंद है। तो उसको जो भी टिकट मिलेगी, जो भी पार्टी टिकट देगी, तो उस पार्टी को रवि चौहान से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो कांग्रेस इस मौके को चुकेगी? अगर कांग्रेस की लिस्ट में तो वो है, तो चूकना नहीं चाहिए। देखिए, मोटी असामी है, पैसे वाले चंदे के भी टेंशन नहीं है, क्योंकि घोटाला के अंदर उनका फार्म हाउस आपने देख ही रखा होगा, कारोबार उनका आपने देख ही रखा होगा, और किस तरीके से उनकी धर्म पत्नी तो कहें कि मैं जो देवी, एक तरीके से साध्वी है पूरी तरीके से, क्योंकि मैं तो उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूं, कई मैंने फंक्शन देखे हैं घोटाला के अंदर किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं, या धार्मिक या कहें सामाजिक कार्य करने वाले, इनको जैसा भी आपने कहा कि रवि चौहान हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन अब रवि चौहान के अंदर भी लगता है वो चीजें हैं कि लड़ाई की जगह लड़ाई भी कर ले। बता रहा हूं मैं, वो सड़क पे भी लड़ सकता है, जैसे वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व है। बिल्कुल है सामाजिक कार्यों में, नहीं है पहले वाली जो थी कभी टाइम के अंदर के भाई रवि चौहान घोटाला फार्म हाउस जिस तरीके से होता था। नहीं देखो, दबंगई तो जो आदमी है, तो वो दबंगई का भी एक प्लस पॉइंट है आज की मौजूदा राजनीति में। शरीफ आदमी को सब चाहिए। आज जब मैं कह रहा हूं सतबीर झूखिया ऐसा मुकाबला दान सिंह के विरोध का, रामविलास शर्मा के सामने लड़ाई लड़ने का इस चुनावी समर में, आपको लगता है हुड्डा से भी अच्छी टपटप यानी कि रवि चौहान की है? क्योंकि सबसे रवि ये है, क्योंकि पहले भी देखिए हुड्डा से बहुत सारी टपटप थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई थी टिकट, तो नहीं, इस बार लगता है वो मौका है। देखो सब पार्टियां, आपको भी पता है, आपके लिए बावरिया ने मना कर दिया, आपका भाई वो मना कर रहे हैं। बावरिया नहीं मना कर रहा, हालात मना कर रहे हैं। दान सिंह को टिकट भी दे दी और फिर उसको फिर झप लिया और उसको दबाव दे दिया, तो कहीं ना कहीं जिनको राडार पर ले रखा है ईडी ने, सीबीआई ने और इन एजेंसियों ने, वो आदमी मौके पर कहीं दब ना जाए, इसलिए रवि चौहान उन बाधाओं को भी पार कर लेगा। लेकिन एक और समीकरण मुझे बता दीजिए, यादव बहुल बेल्ट है,
अगर रवि समान ठाकर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, और आप लोग भी राजपूत समाज से लगातार मांग कर रहे हो कि हमारे को भाई, और क्योंकि भिवानी के अंदर, भिवानी बेल्ट के अंदर लोकसभा में बहुत सारे राजपूत बैठे थे, तो क्या महेंद्रगढ़ के अंदर राजपूतों की संख्या है थोड़ी बहुत, या फिर पूरा एक समीकरण 40,000 और 28-29 गांव, 40,000 वोट हैं महेंद्रगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूतों की। रामविलास शर्मा इन राजपूत वोटों को ही लामबंद करके कि मैं तो ठाकुर साहब आपका ब्राह्मण हूं, और वो अब तक जीतता आया है। वरना रामविलास शर्मा तो 1977 में जनता पार्टी की लहर में भी हार गया था। वो इन राजपूतों के सहारे नॉन अहीर फ्रंट बना के और उस वोट के सहारे तो निकल रहा है। ज्यादा तवज्जो देते हैं वो तो, अगर मान लो अब भी अगर गलती से अगर रामविलास शर्मा को आप करें टिकट कट सकते हैं, मिल गई तो वो तो फिर अभी भी गिड़गिड़ाएंगे। राजपूत तो फिर आपको पता किस तरीके की धार्मिक कौम है, एक मिनट के अंदर ब्राह्मण को तवज्जो देंगे। अब मोहनलाल जी राजपूत भी इन हालात के थपेड़ों से सबक सीख चुका है 77 साल में, जिसे कहते हैं ना ठगाई ठाकर कहलाया। अब वो समझ गया है कि हमें भप्पे पे चढ़ा के, हमारे से हां भरवा के और चढ़ जा बेटा तो बांस पे तो बलि करेगा राम। ये मौका चाहेंगे अब अगर रवि चौहान को टिकट मिल जाए तो मैं मौका, सारा समाज एकजुट है और उसको यादव भी वोट देंगे, 36 बिरादरी वोट देंगे, बिरादरी से लिंक कर देंगे। हाँ, इसलिए कह रहा हूं मैं कि राजपूत तो भाई वो जन्म लिया है उस कुल में, तो उसको 36 बिरादरी भी सपोर्ट करे। एक चलते चलते उनकी ओर बता दीजिए, जो एक सीट और फंस रही थी जिस पर विरोध हुआ है, कौन सी जो अभी बता, 3 सीटों बता ना, एक सोनीपत की और एक वो समालखा की। हाँ, तो उसमें क्या हो सकता है धर्म सिंह छोकर को लेकर के? नहीं, ये तीनों टिकटें कटेंगी, वो तीनों टिकटें, चाहे वो गुजर बाहुल्य है संभालखा, ठीक है, वहां से उसके परिवार से या किसी को, और लाइन लगी हुई है, मतलब जो देखो पैसे वाले हैं, साधन संपन्न हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा था जैसे टिकट कटेगी महेंद्रगढ़ में, आपने विकल्प बता दिया रवि चौहान है। हाँ, बाकी 2 सीटों पे भी अगर विकल्प अगर मिल जाए तो आपको लगता है फिर कल तक ये टिकटों की घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, या फिर अभी और अभी खींचातानी होगी? देखो खींचा पहले बीजेपी आउट करे या फिर कांग्रेस आउट करे? खींचातान तो मोहनलाल जी जो आपने बात कही ना, पहले आप पहले कौन करे, क्योंकि सबको खतरा है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को खतरा है। बीजेपी के पास तो कोई लिस्ट भी आउट नहीं हुई, वो सब समर्पित कार्यकर्ता हैं टिकट मांगने वाले बीजेपी के, मतलब राव नरबीर सिंह जैसे बहुत कम आदमी हैं वहां, तो टिकट नहीं मिली तो वो कुर्सी और दरी बिछाने के लिए समर्पित हैं, तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा स्टफ है कि वो सोच समझ के टिकट देंगे कि हमारा कैंडिडेट जो बच जाएंगे वो कहीं दूसरी, क्योंकि टिकटों की अवेलेबिलिटी है, जजपा का चंद्रशेखर का गठबंधन है, इनेलो का बसपा का गठबंधन है, मतलब पार्टियों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी टिकट वितरण देरी से हो रहा है। और अब देखना यह है महेंद्रगढ़ सीट पर क्या कहें के जो रवि चौहान हैं उनकी लॉटरी खुलेगी, क्योंकि नरेश चौहान जी बताते हैं कांग्रेस के पास अच्छा विकल्प है। दान सिंह को लेकर के जो अड़चने आ रही है वो अड़चने, और यानी कि उसकी जो भरपाई कर सकते हैं तो रवि चौहान जो पाली गोठड़ा के रहने वाले हैं यहाँ रेवाड़ी से, उनका अगर नंबर आता है तो उनको कांग्रेस को तमाम चीजें मिल सकती है। लेकिन टिकटों को लेकर के जिस तरीके से माथापच्ची हो रही है वो कहानी कुछ और बयां कर रहा है, क्योंकि उम्मीदवार भी उम्मीद लगाए बैठा है कि टिकटों की जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाए और वो अपने चुनाव प्रचार में लग जाए। लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है, पहले मैं पहले तू पहले मैं, इसके चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो अभी पिस रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये 2 टिकटों पे कहीं ना कहीं जो मंथन हो रहा था उसका एक हमने विश्लेषण किया, इसी तरीके से बावल में भी कहीं ना कहीं जो टिकट पे मंथन चल रहा है उसका भी फैसला आजकल में हो जाएगा। रेवाड़ी की तकरीबन फाइनल है,
तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की ये 7 सीटों पर जो मंथन कहीं ना कहीं अटक रहा था, इनकी 2 सीटों पर, वो भी सुबह शाम तक यानी कि पूरा हो सकता है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।